सो हेलो गाइज, फाइनली वेलकम बैक। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 9th मैच के बारे में, जो कि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जालमी के बीच खेला जाएगा। और इस मैच की पूरी दोस्तों एनालिसिस और साथ ही साथ मैच टॉस प्रेडिक्शंस और ग्रैंड लीग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप सभी के साथ लेकर के आ चुका हूं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दोस्तों पॉइंट्स टेबल के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पॉइंट्स टेबल के रेस में दोस्तों नंबर 1 पे इस समय मुल्तान की टीम है और आज का मैच मुल्तान खेलेगी। नंबर 2 पे क्वेटा की टीम है, नंबर 3 पे इस्लामाबाद की टीम है, नंबर 4 पे कराची, नंबर 5 पे लाहौर और नंबर 6 पे पेशावर जालमी। यानी कि आज का जो मैच है दोस्तों, ये टॉप ऑफ द टेबल और बॉटम ऑफ द टेबल, नंबर 1 और नंबर 6 की लड़ाई है। वैसे आपको बता दूं, मुल्तान की टीम लास्ट के 3 में से 3 मैचेस जीती हैं, जबकि पेशावर जालमी की टीम 2 मैच खेली है और दोनों के दोनों मैचेस हारी हैं, एक भी मैच अब तक जीत नहीं पाई है। यानी कि इस समय दोस्तों मुल्तान की टीम काफी मजबूत और एक बहुत ही अच्छे और मजबूत टीम की तरह जो है खेल रही है। बाकी दोस्तों आपको बता देता हूं, चलिए ग्राउंड के ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, वेन्यू की बात करेंगे। लेकिन आगे बात करने से पहले दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 200 लाइक के टारगेट रखते हैं, होप आप सब लोग जरूर पूरा कर देंगे। बाकी चलिए ग्राउंड की वेन्यू की बात करेंगे। तो आज का मुकाबला दोस्तों मुल्तान के होम ग्राउंड में ही खेला जाएगा, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान। साथ ही साथ यहाँ के ओवरऑल जो पिच की रिपोर्ट रहने वाली है, ये है एकदम बैटिंग वाली पिच है। गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, 72% विकेट पेसर्स को मिली है, 28% विकेट स्पिनर्स को मिली है। यानी कि पिच बैटिंग वाली है, बाकी तेज गेंदबाजों के इस पिच पे मदद मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको बता दूं ओवरऑल स्टैट्स की बात करेंगे, तो लास्ट के पीएसएल में 10 मैचेस जो इस मैदान पे खेले गए हैं, उनमें फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर रही है ये है 174, सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर 147, बाकी दोस्तों ग्राउंड के अब तक की जो हाइएस्ट टोटल रही है ये है 210 रन, जो कि मुल्तान सुल्तान की टीम पेशावर जालमी के खिलाफ बनाई थी। यानी कि जो दो टीमें आज खेल रही हैं, यही दो टीमें दोस्तों उस समय भी थी जब हाईएस्ट स्कोर बनी थी मुल्तान ने बनाया था। यानी कि मुल्तान ऑलरेडी पेशावर जालमी के ऊपर काफ़ी महंगे जो है, मतलब काफ़ी अच्छे खेलते हैं और काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। बाकी इस पिच पर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उनकी जीतने की संभावना 70% है, और जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उनकी जीतने की संभावना केवल 30% है। यानी कि आज के इस मैच में जो भी टीम टॉस को जीत अधिक चांस यही रहेगा कि वह आज पहले बैटिंग करने का फैसला ले सकती है। बाकी दोस्तों अगर आपको बता दूं, इस पिच पे जो भी पहले कुछ मैचेस खेले गए हैं, अगर उनकी ही बात कर लें तो इसी सीजन पाकिस्तान यहाँ पे सुपर लीग की बात कर लें तो जो तीसरा मुकाबला, पांचवा मुकाबला और सातवां मुकाबला, तीनों के तीनों मैचेस दोस्तों इसी यानी कि मुल्तान के ही ग्राउंड पे खेला गया था। और यहाँ पे स्कोर्स देखिए, 170, 166, 145, 185, 130, 144, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आराम से 160 to 170 के आसपास के स्कोर इस पिच पे बनाई जा सकती है। बाकी लास्ट के तीनों मैचेस दोस्तों मुल्तान की टीम ही बैक टू बैक इस ग्राउंड पे मैचेस जो है विन करते हुए दिखाई दी है। यानी कि इस समय दोस्तों जितने भी आंकड़े हमने अभी कंपेयर किए हैं, सभी में मुल्तान सुल्तान की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों ग्राउंड की वेदर कंडीशंस की, तो टेम्परेचर काफी बढ़िया है, 24 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रहने वाली है, 1% संभावना बारिश हो सकती है, 27% ह्यूमिडिटी रहेगी, आसमान में हल्की धूप हल्के बादल दोनों रहने वाली है। वैसे मैच रात को यानी कि शाम को और रात को होगा, तो उम्मीद है मतलब बारिश तो ना ही होगी, क्योंकि 1% बस ऐसे ही दिखाया गया, या कहूँ तो मतलब ये जो दिन में हल्की धूप और हल्के बादल थी इसी वजह से 1% का संभावना यहाँ पे दिखाया गया है, बाकी बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी तो फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अगर दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे, तो आपको बता दूं अगर लास्ट के 5 मैचेस को कंपेयर करें तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम लास्ट के 5 में से केवल 1 मैच हारी है, बाकी 4 मैचेस जो है दोस्तों विन करी हैं। जबकि पेशावर जालमी की जो टीम है वो लास्ट के 5 में से पिछले सीजन 2 मैचेस विन करी थी, लास्ट के 1 मैच हारी थी, और अभी पिछला दोनों मुकाबला लगातार हार करके आ रही हैं। यानी कि इस आंकड़े में भी आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे
कि मुल्तान सुल्तान की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन ये रही दोस्तों रिसेंट फॉर्म की बात, लेकिन जब बात आती है हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में दोस्तों लास्ट के जो 10 मैचेस में आमने सामने थे वहां पर भी 8 मुकाबले मुल्तान की टीम ही जीती है और केवल 2 मुकाबले पेशावर जालमी की टीम जीती है। यानी कि हेड टू हेड के मामले में भी मुल्तान सुल्तान्स की टीम काफी मजबूत होती है। बाकी दोस्तों हेड टू हेड की बात कर लें, जो लास्ट के 5 मैचेस में आमने सामने थे वहां पर 5 के 5 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीती हैं। 2023 में 2 मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, एक मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया था, एक मैच दोस्तों मुल्तान में हुआ था, दोनों के दोनों मुल्तान जीती थी। स्कोर्स देखिए 242, 210, 244, 154। उससे पहले दोस्तों 2022 में भी 2 मैच खेला गया था, एक लाहौर में और एक कराची में, यहां पे भी मुल्तान को ही जीत मिला था और यहां भी 182, 140, 165, 75। उससे पहले 2021 में अबू धाबी में जो मैच खेला गया था यहां पर भी 206 रन, 159, और यहां पे भी मुल्तान को ही जीत मिला था। यानी कि लगातार बैक टू बैक दोस्तों मुल्तान की टीम जीत रही है। तो बड़ा सवाल यहां पर ये निकल करके आता है कि क्या पेशावर जालमी की टीम ये जो सिलसिला हार का चलता आ रहा है क्या उसे जीत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। बाकी दोस्तों अगर इस समय कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ड्रीम इलेवन के अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर लें, तो आज के इस मैच में जो टॉप पिक्स रहने वाले हैं हमारे वो है मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन, साथ ही साथ बाबर आजम, साथ ही साथ दोस्तों डेविड मल्लान एंड यहां पे रजा हेंड्रिक्स। इन 4 खिलाड़ियों को, इन 4 बल्लेबाजों को अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन्स की बात करेंगे तो रोमन पॉवेल एक अच्छे विकल्प रहेंगे, खुशदिल शाह अच्छे विकल्प रहेंगे, इफ्तिकार अहमद अच्छे विकल्प रहेंगे और साथ ही साथ दोस्तों डेविड विल्ली ये भी एक काफ़ी अच्छे विकल्प आज के इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन में रहने वाले हैं। बाकी गेंदबाजों की बात करेंगे तो सैयम आयूब, साथ ही साथ सलमान इरशाद और ल्यूक उड, इन 3 गेंदबाजों को जो है आप लोग अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मैच के टॉस और मैच प्रेडिक्शंस के बारे में। तो आपको बता दूं आज के इस मैच में दोस्तों पेशावर जालमी की जो टीम है ये टॉस को विन करने वाली है, साथ ही साथ मुल्तान सुल्तान्स की टीम आज के इस मैच को विन करेगी। देखिए जहां तक बात रही मैच प्रेडिक्शंस की, तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरे स्टैट्स को कंपेयर करके बताया है और आप भी वीडियो अंत तक देख करके ये जान ही गए होंगे कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम हमेशा पेशावर जालमी के ऊपर मजबूत दिखाई दी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा, बल्कि अगर इस सीजन की ही बात कर लें तो इस सीजन में भी दोस्तों मुल्तान की टीम अपना पिछला 3 मैचेस विन करके आ रही है, जबकि पेशावर की टीम लास्ट के 2 मैचेस अपना हार करके आ रही है। यानी कि देखिए अगर ऐसा होता कि भाई मान लो पेशावर टीम लास्ट के 2 मैचेस जीत रही हैं तो कह सकते थे दोस्तों कि मुल्तान के ऊपर भारी साबित हो सकती है, लेकिन इस सीजन भी दोस्तों पेशावर की टीम हार ही रही है और मुल्तान की टीम लगातार विन करके आ रही है। तो इसलिए आज के इस मैच में फिलहाल अभी के लिए दोस्तों जो प्रेडिक्शंस है ये यही है, जो टॉस है पेशावर जालमी की टीम जीतेगी, मैच जो है मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीतेगी। बाकी अगर इन दोनों प्रेडिक्शंस में कुछ भी अपडेट या चेंजेस वगैरह करना होगा तो मैं आपको मैच के पहले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप लोग जाकर के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी छोटी छोटी जो अपडेट वगैरह होते हैं वो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो मिलेंगे दोस्तों शाम को मैच के दौरान सीधा टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।